आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। खबर बक्सवाहा से है, जहां नगर परिषद बक्सवाहा द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना के अंतर्गत समाज भवन का हुआ लोकार्पण। विधायक प्रद्युम्न सहलोधी ने फीता काटकर जनता को दी सौगात। 1 करोड़ की लागत से बना समाज भवन नगर के लोगों को बड़ी सौगात मिली, जिसमें वो शादी विवाह कर सकेंगे। बक्सवाहा में बने समाज भवन को जिले का सबसे सुंदर एवं सर्व सुविधा युक्त बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में जिला शहरी विकास परियोजना अधिकारी निरंकार पाठक ने कहा कि आने वाले समय में नगर में अनेकों विकास कार्य होते रहेंगे। नगर में पेयजल की समस्या रही, इससे निजात पाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि गर्मियों में नगर की जनता को परेशानी ना हो। वहीं प्रद्युम्न ने कहा कि नगर में हाईटेक तरीके से भी भवन बनाए जाएंगे, जो अपने आप में अद्भुत होंगे। राजू दुबे के साथ मुकेश रावत की रिपोर्ट। अब ये नगर परिषद, अभी मैंने कहा है वो बैठ के तय करें, क्योंकि उसमें 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर है, बीच का फ्लोर है, ऊपर का फ्लोर है, तो उसमें क्या राशि अलग अलग देंगे, इकट्ठा देंगे, क्या है अलग अलग उसकी राशि तय हो जाएगी, ताकि अलग अलग लोग उस पर अपना नगर के लोग उसमें, ऐसा भी है वो मंगल भवन बारात भवन भी हो सकता है, सामाजिक कार्य भी, वैवाहिक कार्यक्रम भी उसमें हो सकते हैं, बहुत अच्छा देखेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा। और ऐसा है भी कि हमारे छतरपुर जिले का ऐसा पहला भवन यहाँ बनाया गया है, आप देखेंगे तो एक बार पूरा आपके दिमाग में भी सही उसकी पिक्चर आ जाएगी। द्वारा तालाब सुंदर रखने की तैयारी है, उन सब चीज़ों के बाद आज एक सौगात मिली है नगर के लिए, बड़ी सौगात है। इन सब चीज़ों के बाद आपका आने वाले समय में अभी वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 7 में 2 भवन और भी 75-75 लाख के बनेंगे, वो भी उनकी स्वीकृतियाँ आ गई हैं, बहुत जल्दी उनका काम भूमि पूजन करूँगा, उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पेयजल की जो समस्या है उसके लिए भी जो टेंडर हुआ था और जो ठेकेदार था बीच में काम बंद कर दिया था, उसने भी काम शुरू कर दिया है। आने वाले ग्रीष्मकालीन समय में भी पेयजल की व्यवस्था ऐसी होगी जिससे हमारे बक्सवाहा नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो।